नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगामी 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। आप सभी को पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा देश भर में खूब हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 से 22 सितंबर के बीच में जो बैठक होगी उसमें शायद वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर यह आ रही है कि अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मिलकर एक बैठक कर लिया है। इस बैठक में उन्होंने फैसला कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ बातें हो सकती हैं। आपको यह भी बता दें कि 18 से 22 सितंबर के बीच जो बैठक होने वाली है उसमें पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चा खूब हो रही है। कई तरह के लोग कयास लगा रहे हैं, हम लगातार खबरों के माध्यम से भी बता रहे हैं। हमारे संपादक नमन मिश्रा लगातार जो चर्चाएं चलती हैं उन चर्चाओं के बीच में भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 18 से 22 सितंबर के बीच बैठक बुलाया गया है, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें क्या क्या चीजों पर बातचीत हो सकता है, फैसला हो सकता है, उसके लिए भी बातें कह दी हैं। लेकिन अमित शाह और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो बैठक किया है उसमें फैसला लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे किस तरीके से बातें रखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं। कोविंद एक देश एक चुनाव पर 8 सदस्यीय समिति के साथ प्रमुख थे। शाह और मेघवाल भी इसके सदस्यों में थे। सूत्र ने कहा कि यह सौजन्य मुलाकात थी जो 1 घंटे चली। जल्दी समिति की पहली बैठक बुलाने की कोशिश की जा रही और इसकी जगह तय होगी। बैठकें हाइब्रिड मोड में आ सकती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने और इस संबंध में सिफारिश देने के लिए कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनी। इसमें पहले कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को कोविंद से मुलाकात की थी और जानना चाहा था कि वह समिति के साथ एजेंडों पर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सरकार ने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और नगर पालिका पंचायत के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर बीते शनिवार को कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की। समिति में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ए के सिंह, पूर्व सीवीसी संजय कोठारी और राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। तो एक बैठक जो है वो अब बुलाई जा रही है। अगली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि 8 सदस्यीय टीम का अनाउंसमेंट शनिवार को ही हो गया था। रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। विपक्ष के लोगों को भी इसमें बैठाया गया है। वहीं अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता भी हैं उन्होंने इस बैठक से किनारा कर लिया है। तो 18 से 22 सितंबर के बीच हो सकता है कि इसी विषय पर चर्चा भी हो, कहीं उसी दिन अनाउंसमेंट भी ना हो जाए। 18 से 22 सितंबर के बीच जो भी बातें होत रही हैं, देश भर में चर्चाएं चल रही हैं, उस पर कहीं सहमति ना बन जाए। बहरहाल देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत लाइव, तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।